ठीक है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज समीर एंड यू आर वॉचिंग MSQ व्लॉग्स। तो गाइस, एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग हैं बोफोर्स गोट फार्म पर। हमारे साथ है शर्मा जी, दद्दू भाई और अशरफ भाई, अगवान गोट फार्म वाले। ठीक है, अभी हम लोग इस वीडियो में आप लोगों को कुछ बकरे बाहर हम लोग ने निकाले हैं। काफ़ी अच्छा लॉट है। एक ये बकरा है, जानेंगे शर्मा जी से इसमें से कौन से बकरे बेचने हैं, क्या है, क्यों इतने पूरे बकरे इन्होंने निकाले, और थोड़ा सा फार्म का रिव्यू वगैरह लेंगे दद्दू भाई वगैरह से और अशरफ भाई से। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। नमस्ते शर्मा जी। अस्सलाम भाई। तो शर्मा जी, आप इधर क्यों नहीं देख रहे हो? शर्मा जी, अच्छा ये इसको बंद करा दो ना। सो शर्मा जी, ये पूरा लॉट अपन ने जो निकाला है, ये पूरा लॉट देना है क्या अपने को, क्या फिर हम लोग सिर्फ हम लोग अपनी क्वालिटी शो कर रहे हैं? नहीं नहीं भाई, ये तो मेरी क्वालिटी शो करना है इसमें तो। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ बिक चुके हैं। ये सारे बिके हुए हैं? सारे बिके। जो इसमें एक जो नहीं बिका था, आपको मैंने पहले वाले वीडियो में कवर करा दिया हूँ। ओके, वो वाली गुजरी जो थी। राइट, बाकी सब बिक चुके हैं? बाकी सब टोटली बिक चुके हैं। ठीक है। और जो इसमें पतिरा के बच्चे भी है जो मिक्स हो गए हैं अभी। हाँ हाँ, पांच वो अपन ने वीडियो बना लिया। ये वाला बकरा बेचना है मेरे ख्याल से, ये ब्लैक वाला। हाँ हाँ, ये ब्लैक। इसकी डिटेल मुझे फटफट आप दे दीजिए, फिर हम लोग थोड़ा सा फार्म का रिव्यू ले लेंगे भाई। ये दो दांत पे है, ये दो दांत पे अभी है, और 50 किलो इसका वेट। हाँ हाँ, और चादर गला पट्टी इसकी देख रहे हो, बहुत बड़े सिक्के का बच्चा ये माल। और अभी कितने दो दांत पर है? हाँ, अभी ये दो दांत। सही है, माशाल्लाह। रेड ब्लैक, ब्लैक मालवा है ये? कौन सा है ये? मालवा। मालवा है ना, ठीक है। क्या प्राइस इसकी कोट कर रहे हैं हम लोग? भाई मैं ये फोन में बता दूंगा, मेरा एक्सपेक्टेशन इसके 25,000। 25,000 रुपये इसकी एक्सपेक्टेशन है? हाँ। लेकिन इसमें कुछ नेगोशिएट होगा, वो आप कॉल पे करके बात करके लोग आपसे बात कर लेंगे इस बारे में। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे कुछ अशरफ भाई से। अशरफ भाई, कैसा लगा आपने जो स्कीम जो लाए? अच्छा लगा भाई, काफ़ी वो स्कीम लोगों को पसंद आई, जैसे कि शर्मा जी को भी पसंद आई है ना भाई। लोगों को पसंद आने वाली स्कीम है, और 6 महीना बचा हुआ है ईद को, तो अच्छा। अगर लोगों को स्कीम मिलती है नए नए फार्म पे, तो अच्छा। अभी अपने पास तो 50 बकरों की जगह थी, वो फुल हो गई। फुल हो गई। फिर अपन ने नितिन भाई के फार्म पर भी यही स्कीम लागू की। वहाँ पे क्या रिस्पॉन्स है? वहाँ पे भी समझो 7-8 बकरे हो गए लगभग, के वही के वही बकरे रह गए, पलाई पर आ गए। अभी यहाँ पर भी इन्होंने खस्सी पर दिया हुआ है वो स्कीम। सही, अच्छा ही है ना एक हिसाब से। ठीक है, और आपको फार्म कैसा लगा इनका? अच्छा है, शर्मा जी का अच्छा है। केस सिस्टम भी अच्छी है इनकी, क्वालिटी बकरों की अच्छी है, बकरों की क्वालिटी सबसे बेस्ट है। दद्दू भाई, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? ये मेरे से मत पूछो, मैं तो हमेशा आता हूँ इधर। आते हैं सुकून नहीं, लेकिन लोगों ने आपको कभी देखे नहीं ना, अभी कैमरे पे आप आए हो तो लोग देखे। हम लोग ने अभी फार्म बनाने से लेके अभी तक के, मैं साथ में हूँ शर्मा जी के साथ में। मतलब ऐसा है, स्टार्ट टू एंड अभी तक आप साथ में हो? जो भी बकरा शर्मा जी परचेज करते हो, वीडियो पहले मेरे को आ जाते हैं। अच्छा, के ये बकरा लेने का है मेरे, वो क्या बोलते हैं, इन शेयरिंग पार्टनर। हर बकरे का वीडियो मेरे पास होगा इनके। अच्छा, और माशाल्लाह बहुत अच्छे बकरे पतीरे में, तो मतलब कलेक्शन ही इनके, और बहुत जबरदस्त गुजरी में है। स्पेशली मतलब मैं समझता हूँ कि इनके पास ज्यादातर पतीरों का ही ज्यादा इंटरेस्ट ये रखते हैं। गुजरी भी है, गुजरी वगैरह भी काफी रखते हैं, लेकिन पतीरा इनके पास बहुत अच्छा बड़ा लॉट है, और अच्छा लॉट है ना। लेकिन ज्यादा करके वो बिकी गए हुए हैं, बिकी बिक चुके हैं, एक शौक करा रहे हैं हम लोग लोगों को, है ना। अशरफ भाई, अशरफ भाई, आप कुछ इसमें कुछ आपको कमियां लग रही है, कुछ ऐसा है क्या? कुछ भी कमियां नहीं है भाई, देखो सब सारी चीजें तो सिस्टम अच्छा बना हुआ है। ठंडी के हिसाब से ताल पत्रियों का बंदोबस्त है, गर्मी के हिसाब से पंखे लगे हुए है, सब अच्छा है एकदम, फर्स्ट क्लास है, कोई चीज की कमी नहीं है। सारी चीज बकरों को खेलने के लिए प्लेग्राउंड है। मतलब यहाँ पे अगर कोई बकरा रख सकता है, कोई भी बकरा बिंदास यहाँ से लो, परचेस करो, स्कीम भी अच्छी है, उसका लाभ उठाओ फटाफट। हाँ, स्कीम क्या है एक बार फिर से रिपीट कर देंगे हम लोग। तक का 10,000 रुपया, 10,000 हो या छोटे, हाँ बड़े अंडुल है मैं केज में रखूंगा, उसका 2,500 रुपया पर मंथ है। हाँ, उसका 2,500 रुपया पर मंथ लागू हो रही है, सिर्फ खस्सी बकरों के ऊपर लागू होगी। 10,000 रुपये ईद तक का है, ठीक है। मैं एक सवाल पूछूंगा समझ लीजिए, अगर वो कोई आदमी पूरा पैसा देगा उसके लिए, हाँ पूरा पैसा देगा, अगर मुझे नहीं देना है, मेरे को मंथली मंथली देना, उसका क्या चार्ज है? भाई फिर 2,000 कर लूंगा। हाँ वही बता दो। हाँ 2,000 रुपये, अगर किसी को स्कीम में नहीं जाना है तो 2,000 रुपये। और पार्टली पेमेंट ऐसा कुछ है कि दो बार मैं दे दूंगा या आधा भी? फिर कुछ भी नहीं, पूरा पैसा एडवांस में ही देना पड़ेगा। तो 10,000 रुपया है, महीना महीना देते हो तो 2,000 रुपया है, तो 12,000 होता है।
तो कस्टमर का 2000 का फायदा ही है, फायदा के लिए देते तो सही है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग आए और आपने अपना खुद का वो बोलते ना नजरिया रखा लोगों के सामने, है ना। अपना शर्मा जी वीडियो क्लोज करते हैं। एक बात अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा भाई, समीर भाई का चैनल MSQ ब्लॉग जो है, हाँ, उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। अरे वाह माशाल्लाह, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमको शाउट आउट दी थी। अभी आप हमारे लिए आते हो, इतने दूर से मेहनत करते हो हमारे लिए, तो हमारा भी काम है। सही, सो ये वीडियो लास्ट वीडियो था सीरीज का। ठीक है, काफी अच्छा मजा आया आप लोगों के साथ। रेंट पे देने के लिए है। हाँ, एक बार भाड़े वाला भी बता दो। भाड़े भी मेरे यहाँ रेंट पे देने के लिए है, 10,000 रुपया उसका रेंट है, ईद तक का रेंट एक साथ देना पड़ेगा। और कोई डिपॉजिट नहीं, कुछ नहीं, कोई डिपॉजिट नहीं, जो भी पैसा नहीं, खाली आदमी का पैसा अलग से देना पड़ेगा। जो भी पेमेंट है वो पूरा एक बार में देना पड़ेगा, और जो वर्कर जो इनका लेबर यहाँ लगेगा उसका चार्जेस आपको जो भी रहेगा वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वीडियो क्लोज करते हैं। नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर शर्मा जी का दे दूंगा, आप लोग इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेना। हम लोग है चौक पे बोफर्स गोट फार्म पे। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।